नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, अर्थात आकाश में पूर्ण उजाला होता है। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति जागृत रहती है, उसी तरह पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्ति अपने चरम पर होती है। यदि इस दिन हम अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पा लें तो हमारा भाग्य बदल जाता है और हम सुख समृद्धि से लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। पूनम का संबंध धन धान की देवी लक्ष्मी से भी है और इस दिन उनकी कृपा प्रसाद पा लेने से जीवन में आर्थिक और धन संबंधी कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन देखें, हम बताते हैं आपको पीपर लक्ष्मी की उपासना। पूर्णिमा की सुबह सुबह जब आप उठ जाते हैं नहा धोकर, तो आप पीपल के पेड़ के पास जाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर उस दिन सुबह माँ लक्ष्मी आती हैं। बस आप पूर्ण विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा उस पीपल पेड़ के नीचे बैठकर करें। माँ लक्ष्मी के 108 नाम, माँ लक्ष्मी के सिद्ध मंत्र और अंत में माँ लक्ष्मी की आरती करें। फिर लक्ष्मी मैया को अपने घर आमंत्रित करें। माँ आप पर जरूर खुश होंगी और आपके हाउस पर कभी धन और अर्थ संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। चंद्रमा को अर्ध। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण चांदनी के साथ होता है, अतः इस दिन चंद्रमा को रात्रि में खीर का अर्ध जरूर दें। चंद्रमा के मंत्रों का जाप भी जरूर करें। इस दिन चंद्रमा के मंत्रों का जाप करने से आपकी कीर्ति यश बढ़ता है। मुख्य चंद्रमा के मंत्र निम्न प्रकार है। ओम एम क्लीम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौ चंद्रमसे नमः, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। चंद्रमा का त्राटक। अपनी नित्य दिव्य ज्योति जगाने के लिए और आंखों की रोशनी तेज करने के लिए पूर्णिमा की रात त्राटक जरूर करें। त्राटक का मतलब किसी चीज को पल के बंद किए बिना लगातार देखना। भगवान शिव को अक्षत। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को अखंडित चावल 1.25 किलो चढ़ाएं और अपनी पीड़ा शिव जी से कहें। विश्वास करें, श्रद्धा रखें और सत्य और ईमानदारी से चलें। अपनी इंद्रियों को वश में करें, शिव कृपा से वो पीड़ा जल्दी ठीक हो जाएगी। पूर्णमासी तभी आती है, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष जो है 26 मई से शुरू हो रहा है, तो आप समझ लीजिए जब 26 मई से शुक्ल पक्ष शुरू होगा तो 15 दिन जो है शुक्ल पक्ष चंद्रमा जो है धीरे धीरे पड़ेगा और 15 दिन के बाद है पूर्णमासी। तो उस दिन आप ये उपाय जरूर करें और आपको बहुत ही फायदा होगा। नमस्कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।